हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं स्नेहलता दुबे अब आपको मठरी बनाना बताऊंगी, इसलिए मठरी का आटा लगाने जा रही हूँ। आप मठरी चाहे कोई भी नमकीन आइटम बनाना हो, मठरियों की तरह तरह की वेराइटीज, उसके लिए आटा बनाना मैं बता रही हूँ। मैंने इसमें लिया है एक बाउल आटा, सेम इसका मीन्स मैदा लिया है मैंने, और एक चार टीस्पून मैंने सूजी ले रखी है। और इससे मैंने नापा था तो ये 5 हुआ था चम्मच, तो अब मैं इससे नाप के ही ऑयल लूंगी। देखिए 1 टीस्पून, और अगर आप ज़्यादा डालना चाहते हैं तो डाल सकते हैं। 1 टीस्पून देखिए पूरा भर के मैंने। उसके बाद हम ये छोटी चम्मच नमक, थोड़ा सा काली मिर्च और इलायची वगैरह के पाउडर हैं, और थोड़ी अजवाइन, अजवाइन हम क्रश करके आटे के लिए डालेंगे। ये कोई भी नमकीन चीज जैसे समोसे वगैरह किसी में भी आटा यूज किया जा सकता है। और मैंने एक बाउल में पानी लिया है गुनगुना गरम, लूक वार्म वाटर। अब मैं इसे चम्मच से मिलाऊंगी और उसके बाद आटे को गूंथूंगी। देखिए ये आटा हमारा पूरा, आप हाथ से क्रम्बल कर लीजिए इसको, बाद में ये निकालिए हाथ से करिए। ये देखिए आपको ऐसा लगे कि ये जैसे खुद सेल्फ लड्डू बन रहा हो, ऐसा होना चाहिए इसका आटा, तब आपको लगेगा देखिए ये हमारा लड्डू बन रहा है। अब हम इसमें धीमे धीमे यूज करेंगे अपना वाटर। मैंने सूजी डाली है, लूक वार्म वाटर है, तो ये पूरी तरह फूल जाएगी सूजी। देखिए थोड़ा बस थोड़ा सा ही पानी डालिएगा, ज़्यादा नहीं। इसे 3 से 4 मिनट मसल लीजिए और उसके बाद रख दीजिए 2-4 मिनट, 10 से 15 भी रख सकते हैं। उसके बाद आपका आटा तैयार हो जाएगा। हम शुरू करते हैं, आटा अपना मसल चुके हैं, एकदम सॉफ्ट हो गया, अब बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए हम एक छोटी लोई मीडियम साइज की काट लेंगे, जिसकी हम पूड़ी बनाएंगे। पहले इसके शेप पे मत जाइए, डो बहुत टाइट है इसलिए इसको मेहनत लगेगी बेलने में थोड़ा सा। बड़े फ्लैट फॉर्म पे ये ज्यादा अच्छा बेल जाता है, जैसे आपके किचन का प्लेटफॉर्म हो। अब देखिए मैंने ये इससे काटूंगी, ये दबाऊंगी इससे, देखिए ये मैंने शेप दिया। देखिए इसका शेप आया है इस टाइप का। अब मैं इसे कटर से काटूंगी, ये हमारा राउंड कट गया, इसको मैं निकाल लूंगी बाद में, आपको अलग अलग वैरायटी बतानी है। ये हो गया, एक मैं प्लेन काटूंगी, एकदम प्लेन, और दूसरा मैं काटूंगी, आपको बता रही हूँ प्लेन, पर इसमें मैं अपने निशान बनाऊंगी छोटे से। आप इसमें भी बना सकते हैं, इस वाले में भी, वो आपकी मर्जी है। ये देखिए ऐसे हम तिकोना काटेंगे, और एक शेप हमारा होगा ये, जिसे हम राउंड करे हैं इस पे, और हम करेंगे इसे, दबाएंगे अपने झन्ने पे। देखिए एक बार में ही 1, 2, 3, 4 शेप हो गया, ये 5वां मैं बता दे रही हूँ आपको। ये हमारे हो गए 5वें शेप। अब आप इसको धीमे से प्रेस किए हैं, धीमे धीमे इसे निकाल लीजिए।
धीमे धीमे निकाल लीजिए, आपका निकल जाएगा। देखिए ये हो गया इस शेप में। अब ऐसे ही आप इसके छोटे टुकड़े रफ उठाएंगे, ऐसे मसलेंगे और इसे यहाँ रगड़ देंगे। ये आपने रगड़ा, ये आपकी पूरी इस शेप में तैयार हो जाएगी। ये देखिए फ्लावर शेप्ड, छोटे छोटे आप गोले अपने लीजिए और इनको इस पे रगड़ के ऐसे आप थोड़ा सा बना लीजिए। ये इस शेप, इस तरह आप बहुत से शेप बना सकते हैं। एक मैंने कहा था आपको बताऊंगी, जैसे आपने ये लिया, ये दो दो पीसेस लिए, इसके बाद इसे ट्रिम करते जाएंगे हम। एक ये डिजाइन हो गया। इसी तरह हम बहुत सारे डिजाइन आपको बताएंगे रोटी के बेलने के बाद। अभी हम सेकना शुरू करेंगे। गरम हो गया, हम फटाफट अपनी मठरी डाल दे रहे हैं इसमें, जो हमने आपको डिजाइन बता दी थी। अब ये सिकती रहेगी, तब तक हम आपको दूसरी डिजाइनें बताएंगे। तेल आप ऐसे चेक करिए, इसे मीडियम आंच में ही रखिए। मैंने एक बेल रखा, इसके स्ट्रिप्स काट दिए मैंने। देखिए आपको मैंने दिखाया था, ये ट्विस्ट होगा हमारा, ये पूरा ऐसे। एक ये वैरायटी है, दूसरी सिंपल आप जानते ही हैं, जो लंबे लंबे कटते हैं उसे भी मैं काट के आपको दिखा दे रही हूँ। वो हमारी ये शेप मटरी है, ये देखिए हमने लंबी रोटी बेला, उसके बाद लंबे लंबे करके काटा। अब मैं इसे भी डाल दे रही हूँ। धीमी आंच में हमारी मटरियां ऊपर आ रही हैं। आंच हमेशा धीमी रखें ताकि मटरी बन जाए आराम से। इसको सेकने में 5 से 6 मिनट लग जाएंगे। अब मैं एक पोर्शन काट के आपको दिखा रही हूँ, जिसमें मैं अपना चिली सॉस लगाऊंगी। एक स्ट्रिप आप एक रोटी पे पूरे जो रोटी पे लिएगा उसके लिए उस पे कंप्लीट पे लगा लीजिए। ये लगा के आप टाइट से इसे फोल्ड कीजिए, एकदम टाइट हाथ से। ये सेम भाखरवाड़ी के तरह ये बनेगी। जब इसे मोड़िएगा तो पहले आप ऑयल यूज कर लीजिएगा थोड़ा सा, वो भी गरम पैन से निकाल के। अब मैं इस पे थोड़ा सा अपना मसाला ऐड करूंगी, जो इसे बहुत टैंगी स्वाद देगा। ये देखिए, फिर हाथ से ऐसे करके मैं इसे ऑयल में पोर कर दे रही हूँ। अब हमारा पूरा तल के तैयार होगा। मैंने आपको 8 से 10 किस्म की बता दी हूँ। हमारी मटरी 8 से 10 मिनट होने वाली है और मैं उसे अब निकालूंगी। क्रिस्पी हो गई है, मैं तब तक आपको थोड़ा बता दे रही हूँ एक पैटर्न और। ये देखिए मैंने दो बताया था आपको एक साथ ट्विस्ट करने को, अब इसको बता रही हूँ ऊपर लपेट करिए और इसे नीचे नीचे इसके लपेट दीजिए। ये इस तरह एक बन गया। ये भी एक तरीका है बनाने का। और तीसरी है, आप चोटी बना लीजिए इसकी। जैसे इसके फर्स्ट नॉट को हम प्रेस करके इसे दबा देंगे इधर, ये दबने के बाद हम तीनों को जैसे बालों की चोटियां बनाते हैं ऐसे 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 करके, फिर आप लंबाई जितनी चाहिए काट लीजिए और फिर प्रेस करके अपने
तेल में डाल दीजिए तलने के लिए। देखिए इसका शेप एकदम ऐसे होगा जैसे चोटी है आपकी। मैं इसे भी डाल दे रही हूँ। अब मैं अपनी मटरी निकालूंगी और सर्विंग प्लेट पे डालूंगी। जल्दी जल्दी मटरियां निकाल लूं। थोड़ी सी बाकी है तो इसे तलने दे रही हूँ। और अब आंच तेल बहुत है, मैं ऑफ कर दे रही हूँ, ये खुद धीमे धीमे आंच में तल जाएंगी। ये तल रही है, तब तक मैं सर्विंग प्लेट में आपको सजा के दे दिखा रही हूँ। इसे एक एक को बनाने में आपको एक बार में करीब 10 से 12 मिनट लगेंगे। मैंने आपको एक आटे में 12 तरह की मठरी बनाना बताई है। देखिए, ये देखिए मैंने उसके तरह बनाया राउंड करके। इसमें मसाला प्लेन है, थोड़े मसाले भरे हैं। ये प्लेन वाली है, ये लंबी वाली है। आपको ये ऊपर मैंने इसको मसाला लगाया था चिली वाला। उसके बाद ये हमारा चोटी मॉडल है, ये सारे चोटी मॉडल हैं। उसके बाद एक ट्विस्टेड मॉडल है, ये कटिंग है अंदर से, ये प्रेस किया हुआ है जो अंदर से कट है। और भी बहुत सारे मॉडल हैं। ये मैं 12 तरह की आपको रेसिपी दे दे रही हूँ। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। नेक्स्ट रेसिपी के साथ फिर मिलूँगी।